कितना साल से है? कै साल से है? 5 साल। सुरवे से है? देख लीजिए। फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग। और आज है 2 जनवरी रविवार। तो बहुत लोग जिन जो कल पिकनिक मनाने नहीं गए थे वो लोग आज भी जा सकते हैं, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है और बहुत सारा पिकनिक स्पॉट्स जो है वो आज फुल रहेगा। तो गांव में ये हमारा 4th दिन है और कल हम लोग शाम में गए थे लख पे, और वहाँ पर हमें मेरा भतीजा भगीना मिला था, दूर का रिश्तेदार था भगीना। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। लेकिन ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग बना सकूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग ये शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर काफ़ी ठंड पड़ रही है, इसलिए अभी मॉर्निंग में ही हीटर जलाना पड़ रहा है, देसी हीटर। यह है गांव का देसी हीटर जुगाड़। तो चलिए इसे जला लेते हैं। बच्चों, कहाँ घूमने जा रहे हो? बेलसार में। कहाँ? अच्छा, वहाँ क्या ले गए? खिलौने। सब चलो अखिलेश चाय की दुकान, पुदीना वाला चटनी खरीदने के लिए। खिलौने खरीदने हैं ना? चलो, अखिलेश चाय का दुकान वहाँ है। डॉन का खजाना ले लीजिए, पुदीना वाला ले लीजिए। तो लॉलीपॉप नहीं, लॉलीपॉप मत लो, पेट खराब हो जाता है। लॉलीपॉप डॉन लो, तरकारी है इधर। चलो माधव, चलो चलो, काट लेगा। सो गाइस, चाय पी के तो मन खराब हो गया, अब जा रहे हैं अपना हिसाब से कॉफी बनाने। मूड खराब हो गया चाय पी के, अभी कॉफी बनाने जा रहे हैं। हम बनाएंगे कॉफी, देखिए कितना शानदार कॉफी बनाएंगे। तो गाइस, गरम गरम कॉफी बन चुकी है, सेकंड वाली कॉफी। फर्स्ट वाली चाय हम लोग पी चुके हैं और ये सेकेंड वाली कॉफी है। क्या लेयर है आप देख सकते हैं। इधर के राघव कैसा बैठा हुआ है, घर चढ़ गया ऊपर थोड़ा सा। यहाँ पे बेल में बैटरी लगाना है, क्योंकि बैटरी जो है डिस्चार्ज हो गया है, क्योंकि हम लोग यहाँ एक्चुअली रहते नहीं हैं, इसीलिए उसका यूज़ नहीं हो पाता है। तो ये पड़े पड़े डिस्चार्ज हो गया है, तो अभी न्यू बैटरी लगा देते हैं इसमें, क्योंकि लोग आएंगे तो फिर थोड़ा सा बेल वगैरह ठीक रहेगा तो अच्छा रहेगा। वैसे चढ़ा हुआ हूँ, गांव के कुछ लोग आए हुए हैं, देख सकते हैं गांव में जो काम होने वाला है, हम लोग मम्मी का जो बर्फी होने वाला है उसके सिलसिले में कोई लोग आए। और आज बहुत दिनों के बाद दोस्तों यहां पर धूप उगा है। तो ऐसे नॉर्मली 2-3 दिन से यहां पर धूप तो नहीं उग रहा था, लेकिन आज पता नहीं कैसे सूर्य भगवान किस तरफ से उगे हैं, धूप उगा है। चलिए थोड़ा सा धूप में बैठ लेते हैं। बहुत 2-3 दिनों से यहाँ पर धूप नहीं उग रहा था, इसी वजह से बहुत ठंडा लग रहा था। और ऊपर में ये हमारा 2 रूम है, एक ये रूम हुआ और एक ये रूम हुआ, दोनों रूम खाली है। इसमें फिलहाल पुआल वगैरह बिछा दिया गया है, ताकि लोग जो आएंगे बाहर से वो यहाँ पर बेडशीट वगैरह बिछा देंगे और वो यहाँ पर सो सकेंगे। और यहाँ पर भी लाइन का कनेक्शन है वहाँ पर, और इस रूम को भी पुआल से पूरा बिछाना है। इस रूम में भी सारा रूम मम्मी ने बनवाया था,
आज से 6 महीना पहले, लेकिन मम्मी नहीं रही। बहुत ऐसा, मतलब क्या बोलूँ, बोल नहीं सकता हूँ कैसा फील होता है। 2 रूम ऊपर बनवाया है मम्मी ने। और दोस्तों, आप लोगों में से बहुत लोग गांव से देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो ये पता होगा कि ये क्या है, इस तरह का जो रहता है, इसको बोलते हैं दोस्तों जांता। चराग रखे सारी साग। इसमें खोटना नहीं पड़ेगा ना, सब खोटल। हाँ, खोटल है। ये कौन सा साग है? इसमें सब मिक्स है। कौन कौन सा साग? खेसारी, हाँ, केराव, चना, सरसों, सब मिलल। अच्छा, और इसमें घास घास भी नजर आ रहा है। अच्छा, ये घास नुमा जो है खेसारी साग है। हम चल दिए अपने सफर पे। तो दोस्तों, अभी आए हुए हैं यहाँ सूर्य मंदिर। बिलसार का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है ये, देख लीजिए, बहुत ही विशाल मंदिर है। और यहाँ का बहुत ही प्रचलित मंदिर है, आप देख सकते हैं। ये इसका कैंपस है। छठ पूजा में यहाँ पूरा बाहर रहता है दोस्तों, दूर दूर से लोग यहाँ पर छठ पूजा करने हेतु आते हैं। सो गाइस, आए हुए हैं अभी लग पे, और यहाँ पर कुछ सामान परचेज करना है परसों के लिए, क्योंकि सब गेस्ट आने वाले हैं। तो यही ज्योति साहब का दुकान पे आए हुए हैं, देख लीजिए। बल्ब लेने के लिए बल्ब का दुकान है दोस्तों। ये बिलसार का प्रसिद्ध हलवाई दुकान है मथुरा जी का, और यहाँ पर आपको नाश्ता वगैरह सब मिल जाएगा। बिलसार लाख में कारीगर है, बनाता है। कितना साल से है? कै साल से है? 5 साल। शुरू से है लग है, देख लीजिए। सो हम लोग आए हुए हैं लकड़ा दुकान में। लकड़ा का ज़रूरत बहुत पड़ता है, क्योंकि अलाव जलाते हैं रात में, तो गोईठा जलाना पड़ता है, इसलिए लकड़ा लेने आए हैं अभी। इधर देखिए, इस तरह का लकड़ा मिलेगा यहाँ पे। फर्नीचर का दुकान है, यहाँ पे आपको कई तरह का लकड़ा मिल जाएगा। सो गाइस, लकड़ा का जुगाड़ हो गया है। देखिए, इस तरह का कुछ लकड़ा है यहाँ पे रखा हुआ है। ले इतना ले 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 ले। खान है लकड़ी का। डाले कबो? डाले? डालो। डालिए। अभी हम हैं मेहंदिया में, और वो जो आप मंदिर देख रहे हैं वो प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी का मंदिर है, जो आप देख रहे हैं अपने कैमरे में, अपने स्क्रीन पर। और ये मेहंदिया है, मेहंदिया ब्लॉक। तो दोस्तों, अभी मेहंदिया का पेट्रोल पंप में हैं, और यहाँ पर पेट्रोल ले रहे हैं। यहाँ पे हम लोग मेहंदिया में चाट खा रहे हैं दोस्तों, देखिए। एक और चम्मच दे दीजिए। हम नहीं कहेंगे। पेट ठीक नहीं है, इसलिए खा नहीं पा रहे हैं। चाट का स्टॉल है, देख लीजिए। खाइए 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 खाइए। नहीं नहीं, हम नहीं खाएंगे। पेट ठीक नहीं है मेरा। कैसा चाट है छोटा यार? ये मेहंदिया मार्केट है, देखिए। तो शॉपिंग वगैरह हो गया है मेहंदिया में, तो जाते हैं अब, घर निकलेंगे अब थोड़ा देर में। गांव पे जा रहे हैं, पनीर वगैरह ले रहे हैं।
सो गाइस हमारा जो शॉपिंग है वो समाप्त हो गया और अब हम जा रहे हैं घर, और कुछ सामान आगे रिक्शा से चल गया और कुछ भैया लेके आ रहे हैं और हमने भी कुछ सामान रखा है। यहाँ पर अलाव जलाने की तैयारी की जा रही है, काउडंग केक्स वगैरह रख दिए गए हैं और इधर पापा जी अलाव जलाने की तैयारी कर रहे हैं। लीजिए माचिस। इधर कैसा है माधव, क्या कर रहा है माधव? तुम क्या खाता है? वो खाता है। क्या? जूस पीता है। जूस पीता है। और तुम? तुम क्या खाता है? अमूलेट खाते हैं, जूस पीते हैं, स्प्राइट पीते हैं, कोको कोला पीते हैं। अच्छा। जा रहे हैं थोड़ा सा रैकेट खेल के वार्म अप कर ले रहे हैं। हमने कॉर्क ले लिया, रैकेट ले लिया। चलिए अब थोड़ा सा वार्म अप हो जाता हूँ। अपनी एडिट से चालू हो रही है और फेसबुक पर अभी वीडियो अपलोड करना हूँ तो लैपटॉप ऑन करता हूँ और फेसबुक पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ अभी रोज़ाना। सो गाइस अब टाइम हो चुका है सोने का, क्योंकि इट्स ऑलरेडी 10:30 बज गए हैं और आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करना पड़ेगा। तो जिन लोगों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो और भाई को सपोर्ट करो। तो कल फिर मिलता हूँ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, राधे राधे।